वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट। डियर स्टूडेंट, जैसा आपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम, जैसे एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, इन द सेम वे फ्लो चार्ट भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही है, बट वो एल्गोरिथम का ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। जो भी एल्गोरिथम आप डिजाइन करेंगे उसके ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट। इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस लर्निंग मॉड्यूल में। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल दीज फोर लर्निंग आउटकम्स जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। फर्स्ट वन इज डिफाइन फ्लो चार्ट, द सेकेंड लर्निंग आउटकम आप रिकॉल कर पाएंगे सिंबल्स यूज टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, एंड इन द थर्ड लर्निंग आउटकम आप रिकॉल कर पाएंगे रूल्स फॉर डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट, एंड इन द फोर्थ लर्निंग आउटकम आप खुद से ड्रॉ कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लर्निंग मॉड्यूल वेरियस फ्लो चार्ट फॉर द गिवन प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में आपसे एल्गोरिथम पूछी जाती है तो कई केसेस में या तो आपसे फ्लो चार्ट पूछ लेता है या कहता है कि भाई आप इस प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन करो और उसके करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट को ड्रॉ करो। तो एग्जामिनेशन, जैसा मैंने बताया, पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे यूजुअली लॉन्ग आंसर टाइप की प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती है। शॉर्ट आंसर में डिफाइन फ्लो चार्ट पूछ लिया जाता है या सिंबल्स यूज्ड जो होते हैं इसके अंदर उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। इससे मैच द फॉलोइंग टाइप की प्रॉब्लम भी बन जाती है, उस सिंबल का नाम दे देगा और उसका पर्पज दे देगा कि उसको किस पर्पज के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो इसका वही यूटिलाइजेशन है, जैसे जहां पे भी आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे आप फ्लो चार्ट को पाएंगे। जैसे जो स्टूडेंट कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट स्टडी करेंगे इन द थर्ड ईयर, तो कंपाइलर डिजाइन के केस में भी आप देखेंगे जब आप डाटा फ्लो ग्राफ बनाएंगे तब आप उस केस में देखेंगे कि इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ फ्लो चार्ट। ऐसे ही सेम जो बच्चे डीबीएमएस स्टडी करेंगे या और डिफरेंट टाइप के टूल्स डिस्कस स्टडी करेंगे तो वहां पे भी जब भी आपको किसी मान लिया आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस केस में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन होगी तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके ही शो करना पड़ेगा उसके सॉल्यूशन को बेसिकली। तो वो जो सॉल्यूशन आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। लेकिन उसमें फ्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट, फ्लो चार्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं, अगर वो सिंबल्स यूज हो रहे हैं तब आप उसको क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट। ऐसे जैसे डाटा फ्लो डायग्राम होता है, आप जैसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट स्टडी करोगे वहां पे आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये हमारे जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है इसमें डाटा फ्लो डायग्राम जो हम बना रहे हैं वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, उसमें भी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पे आप किसको यूज करते हैं, फ्लो चार्ट को यूज करते हैं या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। भाई स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लर्निंग आउटकम दैट इज फ्लो चार्ट। तो देखिए, आइए, फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज डिफाइन फ्लो चार्ट। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इट इज अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक तो चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है, इट इज अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जहां पे डेफिनेशन की बात आती है कि भाई व्हाट इज फ्लो चार्ट या डिफाइन फ्लो चार्ट है, तो उसकी डेफिनेशन तब तक इनकम्प्लीट रहती है जब तक आप उसमें जो सिंबल यूज होते हैं तब तक आप उनको ना डिस्कस कर लें। तो देखिए, ये तो आपका फर्स्ट लर्निंग आउटकम था कि डिफाइन फ्लो चार्ट, तो उसकी डेफिनेशन तो यही है। तो इसका जो सेकेंड लर्निंग आउटकम है, जैसा आप देख पा रहे हो कि इसका जो सेकेंड लर्निंग आउटकम है वो है रिकॉल वेरियस सिंबल्स यूज while designing the flow chart। तो आइए स्टडी करते हैं। तो देखिए, सेकेंड है रिकॉल द सिंबल्स यूज टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। ये देखते हैं वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपने एल्गोरिथम में देखा था, ईच एल्गोरिथम हैज स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। क्या होता है, उसके अंदर स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है। तो स्टार्ट स्टॉप यहां पे भी होता है, लेकिन उसको ग्राफिकली किसी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए किससे करते हैं, फर्स्ट इज फॉर स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, या इसको बिगिन और एंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बिगिन एंड एंड, कहीं पे इसको बिगिन और एंड की फॉर्म में भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो दोनों का मतलब ही सेम है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ओवल, ओवल से भी कर सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगल से भी कर सकते हो, ओवल और राउंडेड
रेक्टेंगल। तो देखिए ओवल से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओवल की शेप आप बना दो यहाँ पे, इट लुक लाइक दिस। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट हाँ, इट लुक लाइक दिस। और अगर आप देखेंगे राउंडेड रेक्टेंगल में, तो राउंडेड रेक्टेंगल में एक रेक्टेंगल होगा और उसकी जो कोर होंगी वो राउंडेड होंगी। इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट। आइए देखते हैं सेकेंड। आपने देखा था जब एल्गोरिथम में आप इनपुट कराते हैं और उसका आउटपुट भी आता है, स्टार्ट स्टॉप हो गया एल्गोरिथम का, फिर इनपुट और आउटपुट होता है। वही देखते हैं इनपुट और आउटपुट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट के रिप्रेजेंटेशन को अगर आप देखोगे तो इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पैरेललोग्राम को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। आइए देखते हैं थर्ड वन। इनपुट आउटपुट हो चुका, और इनपुट और आउटपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेस वाला पार्ट आता है जिसमें आपकी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं। तो प्रोसेस का आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोसेस के लिए आप क्या यूज क्या करते हैं आप, जैसे आपने इनपुट आउटपुट लिया, ये क्या हो गया प्रोसेस। प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को आप ड्रॉ कर दीजिए। आप फ्लो चार्ट को देख के बता सकते हो फिर, क्योंकि डिफरेंट सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, उसको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा सिंबल किसके करस्पॉन्डिंग है। प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल है, इनपुट आउटपुट के करस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम है, राउंडेड रेक्टेंगल या ओवल किसके लिए, स्टार्ट स्टॉप और बिगिन और एंड के लिए। आइए देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ के केस में आप क्या देखेंगे, आपने प्रोसेस देख लिया विच इज रिलेटेड टू रेक्टेंगल। अब आता है डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपकी कंडीशंस यूज होती हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं रोम्बस। क्या यूज करते हैं, रोम्बस। रोम्बस का सिंबल ड्रॉ कर दो, इस सिंबल से यूज कर दो, हम ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट। तो डिसीजन मेकिंग इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस, सॉरी। ये चीज क्लियर हो गई। आइए अब बात आती है कि इतने सारे सिंबल्स आप यूज कर रहे हैं, तो इस केस में इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है तो वो कैसे हम करेंगे। तो देखिए इसमें अभी हाँ एक और यूज होता है, अगर मान लिया आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे नहीं आ रहा है, तब उस केस में अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं दूसरे पेज पे, देन वी नीड ए कनेक्टर। इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वी नीड ए कनेक्टर। और कनेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल, और जो सर्कल की रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस फॉर्म से हो, सर्कल तो सर्कल ही है। ये हो गया किसके लिए, कनेक्टर के लिए। एंड द लास्ट वन इज, इन सब के बीच में आपस में कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, आपको आपस में कनेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज एरो। ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एरो, और एरो का रिप्रेजेंटेशन आप जानते ही हैं। इस तरह से हम वेरियस स्टेट्स को या वेरियस स्टेप्स को जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है, इनको हम ज्वाइन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो। तो दीज आर द वेरियस सिंबल्स यूज्ड व्हाइल ड्राइंग द फ्लो चार्ट। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए इनको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, एल्गोरिथम में भी स्टार्ट स्टॉप होता है, यहाँ पे भी स्टार्ट स्टॉप होता है। कोई भी एल्गोरिथम होगी उसमें भी इनपुट आउटपुट होगा, इसमें भी इनपुट आउटपुट है। तो देखिए जो आप प्रॉब्लम होती है आपके पास, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, आपका एल्गोरिथम होता है, वो आपने बना दिया। आप किसी प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग भी फ्लो चार्ट बना सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू, क्योंकि उसमें भी क्या होगा, स्टार्ट स्टॉप होगा। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग आप स्टडी करोगे आगे, तो सी प्रोग्रामिंग में मेन के थ्रू स्टार्ट, मेन एक स्टार्ट फंक्शन होता है, और उसमें भी इनपुट आउटपुट उसके अंदर भी होगा, जहां कैलकुलेशन होगी वो रेक्टेंगल में आ जाएंगी अगर इफ वाली कंडीशन लगा रखी होंगी, रोम्बस में आ जाएंगी, रिपीटेशन होगा तो वो रिपीट के लिए भी उसके अंदर लूप वाला आ जाता है कॉन्सेप्ट, क्या आ जाता है, लूप वाला। तो वो देखेंगे आगे वन बाय वन। जैसे आपने एल्गोरिथम में भी मैंने आपको बताया था रिपीट अंटिल टाइप का, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से चीजें स्टेप्स को हम रिपीट करते हैं
बार बार आइट्रेट कराते हैं उनको, इटरेट कराते हैं उनको, क्योंकि एक टाइप की कैलकुलेशन अगर मल्टीपल टाइम यूज हो रही है तो उसको हम क्या कर देते हैं, लूप के अंदर डाल देते हैं। जैसा आपने एल्गोरिथम वाले कॉन्सेप्ट में भी देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एडिशन करना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर करना है, सम ऑफ स्क्वायर करना है, तो उसकी मैंने आपको प्रॉपर ट्रेसिंग भी बताई थी कि कैसे वो वर्क करता है। तो ये थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये चीज पता होंगे तभी हम आगे जाके ड्रॉ कर पाएंगे फ्लो चार्ट। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे अपना सेकंड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया है। दीज आर द वेरियस सिंबल्स यूज्ड टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। ये फर्स्ट टू लर्निंग आउटकम देखिए हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आइए अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम है, रूल्स फॉर डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट। आइए देखते हैं थर्ड रूल्स फॉर डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट कौन कौन से रूल्स होते हैं। देखिए जैसे आपको एल्गोरिथम में आपने देखा था कि ईच एल्गोरिथम हैज स्टार्ट एंड स्टॉप, वैसे ही सेम इस केस में भी वो रूल एप्लीकेबल होगा। द फर्स्ट वन इज ईच फ्लो चार्ट शुड हैव स्टार्ट एंड स्टॉप, ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड क्या है कि जितने भी बॉक्सेस आप यूज करते हो अलग अलग टाइप के, दे मस्ट बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरो। ऑल द बॉक्सेस used in flowchart, used in designing the flowchart, should be connected, you must be connected with the arrow, must be connected with the arrow। आइए देखते हैं थर्ड रूल। जैसे इसको अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप इसको बॉटम अप करेंगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसको आपको ड्रॉ करना होता है टॉप टू बॉटम, इट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और दूसरा इसके बाद इसमें और क्या हम रूल देखेंगे, जैसे जो डिसीजन बॉक्स हम यूज करते हैं तो डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर क्या होने चाहिए, दो एग्जिट होने चाहिए, वन फॉर द ट्रू एंड अनदर फॉर द फॉल्स। क्लियर है, ईच डिसीजन बॉक्स शुड हैव टू एग्जिट, वन फॉर ट्रू एंड अनदर फॉर फॉल्स। अब बात आती है जैसे मैंने सर्कल का बताया था, वो क्या कनेक्टर है, तो कनेक्टर का यूज किया था कि जो हमारे फ्लो चार्ट में ब्रेक्स आते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कनेक्टर्स का। तो किस किस केस में हम कनेक्टर को यूज करते हैं, भाई वो हमारा फोर्थ रूल है, फिफ्थ रूल है। सो कनेक्टर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द ब्रेक्स इन द फ्लो चार्ट। और ब्रेक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका वन पेज पे फ्लो चार्ट नहीं आ रहा है, आपका कुछ पोर्शन एक पेज पे आ गया कुछ दूसरे पे आ गया, तब हम किसका यूज करेंगे, कनेक्टर। वैसे प्रैक्टिस यही करनी चाहिए कि अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे आए दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, फिर इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। इस केस में देखेंगे टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर पेज, किसका यूज करते हैं, कनेक्टर का। इस केस में आप देखेंगे जैसे ब्रेक क्या हो सकता है कि अगर बॉटम ऑफ द पेज है उसको टॉप ऑफ द पेज से कनेक्ट करना है, तो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ब्रेक, और इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कनेक्टर। मान लीजिए आपके फ्लो चार्ट में कुछ अपवर्ड फ्लो आ रहा है, और अपवर्ड फ्लो भी किस केस में, फॉर मोर देन थ्री सिंबल्स का अपवर्ड फ्लो है, तब उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कनेक्टर। तो देखिए ये आपने देखा कि ये थ्री डिफरेंट की पॉइंट्स हैं विच रिप्रेजेंट्स द ब्रेक, और जहां पे आपके फ्लो चार्ट में ब्रेक आता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कनेक्टर। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं जो आपको वेरियस सिंबल्स बताए थे, कनेक्टर का यूटिलाइजेशन हम किससे करते हैं, विद द हेल्प, रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो दीज आर द फाइव की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर से मैं इसको एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं, एक तो आप स्टार्ट और स्टॉप के लिए क्या यूज करेंगे, आपका फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट और स्टॉप होना चाहिए विच रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ इट। जितने भी बॉक्सेस हैं आप फ्लो चार्ट में यूज कर रहे हैं वो एरो के साथ कनेक्ट होने चाहिए। थर्ड में आपने देखा इट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर आपने देखा कि जो डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स के लिए आपको मैंने रोम्बस सिंबल बताया था, उसमें बताया कि इसके दो एग्जिट होने चाहिए, वन फॉर द ट्रू एंड अनदर फॉर द फॉल्स, दो एग्जिट होने चाहिए। और फिफ्थ था आपका ये कनेक्टर से रिलेटेड। तो दीज आर द रूल्स फॉर डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि भाई डिफाइन द फ्लो चार्ट एंड राइट द रूल्स फॉर ड्राइंग द फ्लो चार्ट, तो आप उसको इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इन सम ऑफ द एग्जामिनेशन। इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे अपना थर्ड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया है। दिस इज द रिकॉल द रूल्स फॉर डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ लर्निंग आउटकम विच इज draw the flow chart for the given problem. This is our fourth learning outcome of this session, flow chart designing.
तो डिजाइनिंग में अभी आपने जितने भी सिंबल्स ऊपर डिस्कस किए थे सेकंड लर्निंग आउटकम में, उन सभी का हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। आइए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। हाँ, फ्लो चार्ट भी हम तीन डिफरेंट केसेस के लिए डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम बताया था। और वो तीनों डिफरेंट केसेस क्या होंगे, एक तो होगा सिक्वेंस टाइप की प्रॉब्लम के लिए, किस टाइप की, सिक्वेंशियल प्रॉब्लम, और ये कहने से सिक्वेंस टाइप प्रॉब्लम। दूसरा क्या हो सकता है, आपकी वो प्रॉब्लम्स जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग्स इन्वॉल्व हो, डिसीजन मेकिंग टाइप, और अगर आप लास्ट वाला देखेंगे तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, लूप्स, लूप्स और आइट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, इटरेशन बेस्ड प्रॉब्लम। इटरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें बार बार एग्जीक्यूट कराने पड़ते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लूप और इटरेशन। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिक्वेंस टाइप प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज सिक्वेंस टाइप, सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग, थर्ड इज लूप। तो पहले हम सिक्वेंस टाइप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जैसे हमने एल्गोरिथम में किया था। सिक्वेंस टाइप प्रॉब्लम्स, देखिए अगर आप किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम डिजाइन कर लेते हैं, तो उस एल्गोरिथम को आप डायरेक्टली फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्टेप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सिंबल मैं आपको सेकेंड लर्निंग आउटकम में बता चुका हूं, आप लर्न कर चुके हो, और इन सबके नोट्स आप अच्छे से बनाते चलना, क्योंकि जो नोट्स होते हैं उसमें जो टीचर बोलते हैं तो हम उसकी नोटिंग करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड है हमें लगता है कि हाँ ये हमें नोट कर लेने चाहिए, जिससे कि उस टाइम पे हम रिकॉल कर पाए जब इसको रिविजन करेंगे। सिक्वेंस टाइप प्रॉब्लम्स का पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट to calculate sum and average of five numbers, sum and average of five numbers। ये क्वेश्चन कैसे पूछी जा सकती है, write an algorithm to find the sum and average of five numbers and also draw its flowchart। देखिए ये प्रॉब्लम दोनों तरीके से पूछी जा सकती है, दोनों का आपको जो प्रोसेस है वही सेम फॉलो करना पड़ेगा। और आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वो कहते हैं जी आपको फाइव नंबर्स का सम और एवरेज फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका इनपुट है, इनपुट आपको क्या कराना है, आपको फाइव नंबर्स इनपुट कराने हैं। कितने नंबर्स इनपुट कराने हैं आपको, फाइव नंबर्स। अब इन फाइव नंबर्स को आप किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एबीसी यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड यूज कर सकते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कर सकते हैं, एन वन एन टू एन थ्री कर। तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट नंबर्स आर एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एंड एन फाइव, ये हम इनपुट करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आउटपुट की क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी, उसने कहा जी आउटपुट आपको आना चाहिए इन पांच नंबर का सम और एवरेज, तो इनका सम एंड एवरेज, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। यहां तो क्लियर है, एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम इंप्लीमेंट कर नहीं रहे यहां पर अभी, बिकॉज वी आर लर्निंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चीज आ गई, आपको पता चल गया कि जी मेरा इनपुट इस प्रॉब्लम में जो पूछा गया ये है और आउटपुट ये है। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में जब मैंने एल्गोरिथम बताई थी तो स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आपका प्राइमरी पर्पस होना चाहिए कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। आपको इनपुट आउटपुट दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है, सम है एवरेज, एबीजी स्टैंड्स फॉर एवरेज। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है शॉर्ट में यूज कर लिया, दिस इज फॉर एवरेज, ये एक वेरिएबल है एवरेज के करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले मैं इसकी एल्गोरिथम ड्रॉ करता हूं और उसके बराबर में मैं इसका फ्लो चार्ट बना देता हूं। आपको भी एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है, उससे आपके लिए जो कंफ्यूजन है, डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, वो सारी खत्म हो जाएंगी। हमने तो आपने देखिए
यहाँ पे आपने ड्रॉ करी इसकी, राइट करी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप क्या गया आपका, से स्टार्ट, ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया भाई, आप इनपुट कराएंगे और इनपुट आपने से करा दी फाइव नंबर्स या रीड करा दिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन उसमें इनपुट और आउटपुट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो आपने इनपुट कराया, इनपुट फाइव नंबर्स, ये भी लिख सकते हो आप, या इनपुट एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एंड एन फाइव, ये भी आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फाइव नंबर्स से एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एंड एन फाइव, ये आपने इनपुट करा दी। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, इन द थर्ड स्टेप आप इन सबका सम फाइंड आउट करेंगे। तो आपने क्या लिखा जी, आपके पास नंबर तो आ गए, आपने लिखा सम इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर प्लस एन फाइव, ये आपने सम कर दिया। सम करने के बाद फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, आप एवरेज फाइंड आउट करेंगे, और एवरेज किसका फाइंड आउट करेंगे, जो सम आ चुका है। तो आप जानते ही हैं कि भाई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है फाइव, फाइव नंबर्स क्या है तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा फाइव, एवरेज तो आप जानते ही। चलिए ये आपने एवरेज फाइंड आउट कर लिया, अब आपके पास सम भी आ गया एवरेज। एक तो तरीका ये था कि सम आया सम को प्रिंट करा दिया, एवरेज आया एवरेज को प्रिंट करा दिया, एक दूसरा क्या है कि दोनों को साथ साथ प्रिंट करा दो, इट्स अप टू यू। तो हमने सम और एवरेज दोनों कैलकुलेट कर लिया, और फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करा दिया जी, प्रिंट, सम भी एक प्रिंट करा दिया एंड एवरेज भी प्रिंट करा दिया। तो देखिए मैं आपसे बता रहा हूं, आप दोनों को एक एक साथ भी प्रिंट करा सकते हैं, अलग अलग भी। सम कैलकुलेट किया फोर्थ स्टेप में, क्या करते थे, प्रिंट सम, एवरेज कैलकुलेट किया प्रिंट एवरेज। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही करेक्ट सॉल्यूशन माने जाएंगे, प्रिंट सम एंड एवरेज। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये आपकी एल्गोरिथम होगी, इसकी ट्रेसिंग बिल्कुल क्लियर है। पांच नंबर आप इनपुट कराएंगे सम में आ जाएगा, सम को फाइव से डिवाइड करेंगे एवरेज आएगा, इसमें तो ऐसा ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आइए इसका अब हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ द फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट में हम क्या यूज करेंगे, वेरियस सिंबल्स। तो इसका जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो स्टार्ट है, स्टार्ट के लिए आप क्या यूज करते हैं, यू कैन यूज राउंडेड रेक्टेंगल। देखिए ये आपका हो गया स्टार्ट। इसके बाद इनपुट आ रहा है, तो इनपुट के लिए फिर से सेम पैरेललोग्राम का आप यूज करेंगे, यू विल यूज पैरेललोग्राम। आप पैरेललोग्राम यूज करेंगे और उसमें क्या कराएंगे, इनपुट फाइव नंबर्स, इनपुट से एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एंड एन फाइव, ये आप इनपुट करा देंगे। इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे आप, सम, ये दोनों कैलकुलेशन। अब देखिए जैसे थर्ड और फोर्थ स्टेप है, ये दोनों ही कैलकुलेशन का पार्ट है, आप इनको एक रेक्टेंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दो डिफरेंट रेक्टेंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो आपने यहां पे सम और एवरेज फाइंड आउट किया। तो अगर स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप एल्गोरिथम का, तो आप अलग अलग कर दो, कि मैंने यहां पे सम इवैल्यूएट किया इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर, और एन फोर के बाद क्या जाएगा, एन फाइव प्लस एन फाइव, ये आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। अपने एवरेज के लिए आगे गए, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई फाइव, क्योंकि ये भी क्या है, प्रोसेस है, और प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन किसमें होता है, रेक्टेंगल में। नेक्स्ट है देखिए प्रिंट, तो प्रिंट क्या, एक आउटपुट है, और आउटपुट का रिप्रेजेंटेशन किस सिंबल के थ्रू होता है, बिल्कुल सही आई पीछे से आवाज, कि पैरेललोग्राम सर, करेक्ट। तो हम यहां पे पैरेललोग्राम यूज करेंगे, और पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, वही जो इसमें लिखा हुआ है। तो हमने लिख दिया यहां पे प्रिंट सम एंड एवरेज। उसके बाद स्टॉप है, स्टॉप के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डायरेक्ट राउंडेड रेक्टेंगल हम बना देते हैं यहां पे। तो दिस इज स्टॉप, क्लियर है। अब आप इसको खुद से मैप भी करके देख सकते हैं कि भाई ये फ्लो चार्ट है, आप खुद से देखो, हमने स्टेप बाय स्टेप उसका सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसलिए मैंने यहां पे इसको हर एक स्टेप को अलग बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है।
इसलिए मैं कहता हूं स्टूडेंट को कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम फ्लो चार्ट की पूछी जाए, सबसे पहले उसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन कर दो, देन यू कैन कन्वर्ट इट डायरेक्टली इनटू द फ्लो चार्ट। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए कौन सा बॉक्स हम यूज करते हैं। अगर वो क्लियर है तो आपको फ्लो चार्ट डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई होप कि आप उसे इजीली कर लेंगे। इनकी और ग्रेडेड जो प्रॉब्लम है वो हम किस में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल। लेकिन इसी में मैं आपको और प्रॉब्लम करा देता हूं इसकी। लेट अस कंसीडर वन मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट। सीक्वेंस से रिलेटेड ही है और सीक्वेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम में मैं क्या कहता हूं जी, एक प्रॉब्लम हम करते हैं जिसमें क्या करते हैं स्वैपिंग कराते हैं, जिसकी मैंने आपको एल्गोरिथम भी बनवाई थी। सो ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल और ये थर्ड वेरिएबल। मैंने ये एल्गोरिथम के टाइम पे भी बताया था, दोनों केसेस मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाए थे कि कैसे ये वर्क करते हैं। वही सेम ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट, वो वही है सेम जो प्रीवियस वाला पैटर्न मैंने आपको बताया था। आइए तो इस टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द एल्गोरिथम। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम में बता चुका हूं तो उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम स्वैपिंग कैसे कराते हैं और स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज। तो हाँ, इसमें इस चीज को करने से पहले आपको यहाँ पे ये चीज समझ लेनी चाहिए कि इसमें इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि जो इनपुट होगा टू वैल्यूज, टू वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी। से आपने इनपुट करा दिया ए एंड बी, या सपोज करो ए इज इक्वल टू आपने 4 इनपुट करा दिया और बी इज इक्वल टू आपने 5 इनपुट करा दिया। तो आपको स्वैपिंग के बाद जो आउटपुट मिलेगी, योर आउटपुट मस्ट बी ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 4। यही तो है इसका ऑब्जेक्टिव, टू वैल्यूज को स्वैप कराना, लेकिन इसमें कोई आपको टेम्परेरी वेरिएबल यूज नहीं करना है। तो ये पहले इसकी एल्गोरिथम लिख लेते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देते हैं। फॉर एल्गोरिथम एंड दिस इज फॉर फ्लो चार्ट। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा जी, टू वैल्यूज को इनपुट कराना पड़ेगा, इनपुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इनपुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। थर्ड स्टेप में जब आपने इनकी वैल्यूज को इनपुट करा दिया तो आप इनकी स्वैपिंग करानी पड़ेगी। स्वैपिंग के वो तीन स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए थे कि किसी भी एक वेरिएबल में दोनों का सम स्टोर करा लो आप। आपने a इज इक्वल टू क्या कर दिया, a प्लस बी, और आपने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट कर लिया a माइनस बी। अब आप a को फाइंड आउट कर लो, a इज इक्वल टू क्या कर दो आप, a माइनस बी। ये तो मैंने बताया था कि कोई भी आप तीन स्टेप फॉलो कर सकते हो। आप जो कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम वाला है, अपने नोट्स पलट के देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। a इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, फिर b इज इक्वल टू क्या कर दिया, a माइनस बी, और जो नया b आया उसको a में से सबट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको क्या मिला, फाइनली यू विल गेट द स्वैप वैल्यूज। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट a एंड b, एंड लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप। लास्ट स्टेप इज स्टॉप। यहां तक क्लियर है। आइए अब फ्लो चार्ट इसका ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप रिप्रेजेंटेशन करते चले जाओ। चलिए बताइए, स्टार्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। हम क्या करेंगे, यहां पे से राउंडेड रेक्टेंगल हमने यूज कर लिया, किसके लिए, स्टार्ट के लिए। नेक्स्ट है इनपुट, सेकंड स्टेप है, तो इनपुट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, गुड, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शुड लुक लाइक ए पैरेललोग्राम, इस चीज का आप ध्यान रखना एग्जामिनेशन में। तो पैरेललोग्राम आपने यहां पे इनपुट करा दी वैल्यूज से, इनपुट ए एंड बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, तो ये थर्ड स्टेप आपका क्या है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस,
देखिए ये वाला जो स्टेप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस पार्ट। तो जब ये प्रोसेस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोसेस किसमें आएगा, रेक्टेंगल में, तो तीनों स्टेप को आप लिख दो से ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपने इसका प्रोसेस स्टेप लिख दिया। ये देखना पड़ेगा कि जो हमने b इक्वल टू a माइनस बी लिखा और a इक्वल टू a माइनस बी, क्या ये सही है स्टेटमेंट। अभी इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या है, एक आउटपुट है और आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम। करेक्ट। तो आपने यहां पे प्रिंट करा दिया a एंड b। प्रिंट की जगह आप डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो। आपने इनपुट ये प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराने के बाद आप स्टॉप कर देंगे और स्टॉप को किसमें लाते हैं, सेम राउंडेड रेक्टेंगल। तो देखिए ये जो ये मैं आपको लाइन मार्क करके दिखा रहा हूं, एग्जामिनेशन मत करना, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये स्टार्ट के करस्पॉन्डिंग आ गया, ये इनपुट के करस्पॉन्डिंग आ गया और ये पूरा आपका प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग आ गया, ये आउटपुट आ गया एंड देन दिस इज द स्टॉप। इस तरह से आपने एक एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट वैल्यूज है, जैसे ए और बी की आपको डिफरेंट वैल्यूज का मैंने बताया था कि ए की वैल्यू अगर आपने ले ली तो इसकी आप ट्रेसिंग भी आप देख सकते हो। अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो आप क्या एक इमीडिएटली एक इसकी ट्रेसिंग बनाओ। तो ए की वैल्यू मैंने 4 ले ली, ए की वैल्यू कितनी ले ली 4, बी की वैल्यू हमने कितनी ले ली 5, ये इसकी ट्रेसिंग है। कभी भी आपको अगर डाउट लगे तो इमीडिएटली आप ट्रेसिंग करें एग्जामिनेशन में। आपने ये वैल्यू ले ली, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और 4 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो अब ए वाला जो बॉक्स होगा उसमें वैल्यू हो जाएगी 9 और बी वाले बॉक्स में कितनी रहेगी वैल्यू 5। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, देखिए ऊपर बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, वो है बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो बी इज इक्वल टू ए माइनस बी जब हम चूज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4 वैल्यू आ गई। अब ये 4 वैल्यू किसमें जाएगी, बी में, तो ए रिमेन्स 9 और बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4। अब क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो जब ए इज इक्वल टू ए माइनस बी करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो इसका मतलब जो स्टेप आपने लिखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। आप इनपुट आपने ये कराया था, दिस वॉज द इनपुट, और आपको जो आउटपुट मिला है दिस इज योर आउटपुट। दोनों वैल्यूज क्या हो चुकी है, यहाँ पे हमारी स्वैप हो चुकी है। क्लियर है? तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंटली क्या कर सकते हैं, मतलब बड़े इजीली उसकी ट्रेसिंग करके भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि सीक्वेंस से रिलेटेड इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली आप उसको एग्जामिनेशन में सक्सेसफुली सॉल्व करेंगे। तो आइए अब सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लो चार्ट बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स फ्लो चार्ट। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ ए फ्लो चार्ट वेदर द गिवन नंबर, वो जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। इसकी एल्गोरिथम हम पहले ही बना चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा एक नंबर जिसको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। इनपुट इज ए नंबर और आउटपुट क्या होगा, इवन और ऑड, या तो इवन होगा और ऑड होगा। इनपुट आउटपुट हमें पता चल गए, तो सबसे पहले इसके हम एल्गोरिथम बना लेते हैं और उसके बाद उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इन द सेकेंड स्टेप आप इनपुट कराएंगे उस नंबर को जिसे चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो इनपुट नंबर, नंबर इनपुट कराने के बाद थर्ड स्टेप में आप चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो इवन नंबर्स को आपने जैसे एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन, अदरवाइज ऑड। इफ एन मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0
प्रिंट, इवन नंबर, एल्स, प्रिंट एल्स और अदरवाइज प्रिंट ऑड नंबर, और फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग तो इसके साथ साथ ही होगी, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इवन होगा तब भी उसको स्टॉप पे जाना पड़ेगा, ओड आएगा तब भी स्टॉप पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब इफ वाली जो कंडीशन है वो डिसीजन बॉक्स में आएगी, और आपको ये पता है कि डिसीजन बॉक्स के दो एग्जिट होते हैं, वन फॉर द ट्रू वैल्यू, अनदर फॉर द फॉल्स। तो ये जो आपका इफ वाला स्टेटमेंट है ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स है, अगर इफ वाली कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन जो फॉल्स होगी तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये तो आपको क्लियर ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक कंडीशन जो डिसीजन बॉक्स होगा उसमें हम चेक करेंगे कि नंबर दो से डिविजिबल है या नहीं है, अगर है तो प्रिंट करा दो, इवन नहीं है तो प्रिंट करा दो, और दोनों के बाद ही क्या हो जाएगी, ये एल्गोरिथम टर्मिनेट कर जाएगी। आइए इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट, इसका फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट इनपुट नंबर है, क्या इनपुट नंबर है, आपने नंबर इनपुट करा दिया और सिंबल क्या आ गया, पैरेललोग्राम। उसके बाद देखिए कंडीशन लगी हुई है, तो कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, रोम्बस, वेरी गुड। तो रोम्बस हमने यहां पे लिया, रोम्बस ले लिया, और रोम्बस में हमारी कंडीशन है इफ एन मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू है तो क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स है तो क्या है, क्योंकि दो एग्जिट होंगे इसके, वन फॉर द ट्रू एंड अनदर फॉर द फॉल्स। सपोज करो दिस इज फॉर द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज फॉर द फॉल्स वैल्यू। अगर नंबर दो से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, इवन नंबर आउटपुट है तो किसमें आएगा, पैरेललोग्राम में। तो आपने प्रिंट करा दिया यहाँ पे इवन नंबर, ट्रू के केस में आपने प्रिंट करा दिया जी इवन नंबर। और अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता है तो आपने सपोज करो यहाँ पे प्रिंट करा दिया ऑड नंबर, और दोनों ही आउटपुट के बाद जो भी नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इवन है या ऑड है, उन दोनों के बाद ही ये हमारा एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो इससे बच्चों से जो मिस्टेक होती है उसलिए यही यूजुअली यही होती है, वो कंफ्यूज रहते हैं तो कि क्या होता है कि आउटपुट कोई सा भी आए टर्मिनेट कहां पे होगा, उसका एंड से होगा, दैट इज स्टॉप पे होगा, दिस इज नॉट स्टार्ट, दिस इज स्टॉप, इस पे होगा स्टॉप। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी एल्गोरिथम को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसको हमने डिसीजन बेसिस पे, डिसीजन मेकिंग बेसिस पे देखा। आइए देखते हैं, लर्न करते हैं किसी और प्रॉब्लम के लिए जिसमें ये तो दो नंबर थे कि भी हमने इवन और ऑड है। अगर हमें ये चेक करना हो कि हमें लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना, लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स, और उसके लिए हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों बनाने हैं। देखिए अगर लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर होगा तो यही फ्लो चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे आपने इनपुट नंबर एक कराया है वहां पे आप क्या करा सकते हो, आप दो नंबर इनपुट करा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा इनपुट नंबर, यू कैन राइट डाउन से एन, आप यहाँ पे दो नंबर इनपुट कराएंगे, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो ट्रू वाले के केस में क्या कर देगा, ए इज ग्रेटर, और फॉल्स वाले केस में क्या कर देगा, बी इज ग्रेटर, और दोनों के केस में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो दोनों बिल्कुल यही प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा आपका केस में, दो नंबर के बीच में ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन बात आती है कि अगर दो से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, भाई ये देखते हैं उस प्रॉब्लम को भी, डिसीजन मेकिंग की है वो। से नेक्स्ट एग्जांपल, राइट एन एल्गोरिथम, देखिए राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट, ये हमें करना है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है, डायरेक्टली आपसे फ्लो चार्ट भी पूछ सकता है। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए अभी तक हमने जो पीछे देखा था वो सिलेक्शन बिटवीन टू था, या तो इवन था या ऑड था, यहाँ पर तीन नंबर है तो सिलेक्शन अमंग मल्टीपल हो गया एक तरीके से। तो इसने क्या कहा कि आपने जो इसने क्वेश्चन में पूछा, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स, तीन में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो इनपुट क्या हो गया, आपका इनपुट होगा थ्री नंबर्स से, आपने एज्यूम कर लिया ए बी एंड सी, ये इनपुट आप कराएंगे, और इससे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, आउटपुट क्या जाएगा, लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट में भी ए और बी और सी, तो
लार्जेस्ट ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, कोई सा भी एक नंबर होगा लार्जेस्ट, ये तो आप जानते ही है। आइए अब हम कैसे करते हैं इसको, तो आप कैसे लार्जेस्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ये आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। तो आइए मैं इसका एक सॉल्यूशन आपको बताता हूं कि किस तरह से आप करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप पहले ए को चेक कर लो कि क्या ए ग्रेटर देन बी है या ए ग्रेटर देन सी है। अगर ए बी से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है तो ए लार्जेस्ट है, फिर आप बी को पकड़ लो। अगर बी ए से भी बड़ा है सी से भी बड़ा हुआ है बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी लार्जेस्ट हो गया, एल्स क्या हो जाएगा, सी लार्जेस्ट हो जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट अप्रोच है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जी आपने चेक किया कि अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है, और वाला केस नहीं है यहां पे, एंड वाला केस है, मतलब दोनों कंडीशन साथ साथ होनी चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा, ए इज लार्जेस्ट। ये हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली आपने क्या चेक किया कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी या बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तब आपका बी इज लार्जेस्ट, अदरवाइज क्या कर देंगे, आपका सी इज लार्जेस्ट। उसको हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, पहली वाली दो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएंगी तो लास्ट में क्या जाएगा, सी, अदरवाइज आप लिख देंगे जी सी इज लार्जेस्ट। ये चीज क्लियर है। तो देखिए आपके जो डिसीजन बॉक्स है, कितने डिसीजन बॉक्स आएंगे यहां पे, टू। एक आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ रही है ये, तो दो रोम्बस आप यूज करेंगे और उन दो रोम्बस के दो आउटपुट होंगे, क्या होंगे, दो आउटपुट होंगे। कैसे वर्क करेगा ये देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, इसकी ट्रेसिंग भी हम कर लेंगे। पहले एल्गोरिथम इसकी डिजाइन कर लेते हैं। एल्गोरिथम के साथ साथ इसका हम फ्लो चार्ट भी बना लेंगे और उसकी ट्रेसिंग भी देख लेंगे। क्लियर है। आइए हमने एल्गोरिथम ले लिया और एल्गोरिथम के बराबर में हम क्या बना देंगे, फ्लो चार्ट। और फिर नीचे ट्रेसिंग देख लेंगे। ट्रेसिंग एग्जामिनेशन में पूछी जाए तो बताना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, वो मैं आपको इसलिए बताऊंगा जिससे चीजें आपको क्लियर आए। फर्स्ट स्टेप आपने क्या यूज किया, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में क्योंकि लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स फाइंड आउट करना, तो तीनों नंबर को हम इनपुट कराएंगे। सो इनपुट थ्री नंबर्स, इनपुट थ्री नंबर से एन वन एन टू एंड एन थ्री। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो मैंने, अच्छा एन वन एन टू एन थ्री की जरूरत ही नहीं है, हमने ऊपर एबीसी एज्यूम करके लिया है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। अब कंडीशन लगा दो, आपने लगाया जी इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो इस केस में हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट A is largest, for this, इसी में हम कंटिन्यू कर देते हैं, else if, क्या लगा दिया हमने, else if, फिर कंडीशन लगा दो कि अगर B greater than A है and जो B है वो greater than C भी है, मतलब B बाकी दो नंबर से बड़ा है, तो हम यहां पे क्या करा देंगे, we will print B is largest, ये हमने प्रिंट करा दिया। और लास्ट में एल्स या अदरवाइज हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट सी इज लार्जेस्ट। देखिए इसके लिए जो लास्ट वाले के लिए हमें जरूरत ही नहीं है, दो के लिए भाई तीन में कर रहे हैं ना, अगर ये लार्जेस्ट अमंग फोर नंबर्स हो जाता, और ये तो लार्जेस्ट की बात है, अगर ये स्मॉलेस्ट की बात हो जाती तो ग्रेटर देन सिंबल की जगह क्या हो जाता, स्मॉलर देन। फोर हो जाते तो एक और इफ एल्स इफ आ जाता और यहां पर कंडीशन तीनों से चेक होती, और जो फोर्थ वाला होता है उसको हम else में डाल देते हैं। ये चीज क्लियर है। तो else if में हमने देखा जी अगर b किससे ग्रेटर देन है, b a से भी ग्रेटर देन है और b c से भी ग्रेटर देन है, तो b लार्जेस्ट हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया था, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हमने यहां पे लिख दिया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, स्टॉप, क्योंकि आउटपुट तो डिसीजन या कंडीशन के साथ ही आ रहा है। आइए इसका अब हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसका फ्लो चार्ट क्या होगा, फ्लो चार्ट स्टार्ट है तो उसके लिए क्या जाएगा, गुड राउंडेड रेक्टेंगल या ओवल, ये आपका स्टार्ट आ गया। इसके बाद इनपुट है, क्या सिंबल यूज करेंगे हम, टेल मी प्रिया, ओके गुड, पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम, और इसमें क्या जाएगा इनपुट थ्री नंबर से ए बी एंड सी, इनपुट ए बी एंड सी तीनों नंबर को हम इनपुट करा देंगे। उसके बाद डिसीजन बॉक्स आएगा, और डिसीजन बॉक्स में हम क्या देखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं रोम्बस, उसके लिए हम रोम्बस यूज करेंगे। इसमें हमने कंडीशन लगा दी, उसने लगाया जी डिसीजन बॉक्स रोम्बस आ गया हमारा इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ए दोनों से बड़ा है तो इसमें आपको पता ही है कि कोई भी रोम्बस है तो उससे दो एग्जिट होंगे, वन फॉर द ट्रू अनदर फॉर द फॉल्स। मान लीजिए मेरी ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है, दिस कंडीशन इज ट्रू, और एक कंडीशन होगी हम मैंने लिया सपोज करो ये यहां से भी ले सकते हैं नीचे से भी ले सकते हैं, इट्स अप टू अस, दिस इज फॉल्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन एंगल से ही होगी, वो कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगी, ए इज लार्जेस्ट, तो जब ए लार्जेस्ट होगा तो इसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेललोग्राम में, बिकॉज इट इज एन आउटपुट। तो यहां पे हम लिखेंगे ए इज लार्जेस्ट, ये क्लियर हो गया। अब फॉल्स में आ जाओ, जब देखिए जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, जब पहली वाली फॉल्स होगी तो वो एल्स इफ में आएगा, अगर ये ट्रू होगी तो वो इसको प्रिंट कर देगा, जब एल्स इफ वाली फॉल्स होगी तो वो एल्स पे आएगा, इस पे आएगा एल्स पे आएगा, और जब ये एल्स इफ वाली ट्रू होगी तो वो इसका आउटपुट प्रिंट कर देगा, और जब ये एल्स वाला बाकी तो क्या है कि जो बचा हुआ है वो किसमें चला जाएगा, सी इज लार्जेस्ट में, यहां तक क्लियर है। तो इस केस में आप देखिए, अब फॉल्स वाले केस में फिर एल्स इफ में आएगा, वो चेक करेगा बी को, तो जो फॉल्स वाला है इसके साथ फिर से एक और रोम्बस आएगा, इसके साथ फिर से एक रोम्बस आएगा, और उस रोम्बस में जो कंडीशन चेक होगी दैट विल बी रिलेटेड टू बी, वो चेक करेगा इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो जब ये कंडीशन ट्रू है तब क्या प्रिंट कर देगा, बी इज लार्जेस्ट। तो इसमें भी दो चीजें जाएंगी, वन फॉर द, दो एग्जिट आएंगे, वन फॉर द ट्रू एंड अनदर फॉर द फॉल्स। तो इसके ट्रू के केस में क्या प्रिंट कर देगा, वो बी इज लार्जेस्ट, क्या प्रिंट करेगा, बी इज लार्जेस्ट, और फॉल्स के केस में क्या प्रिंट करेगा, वो सी इज लार्जेस्ट। तो ये फॉल्स हो गया, तो जब पहले ऊपर की दोनों कंडीशन तो ट्रू नहीं है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, सी इज लार्जेस्ट, और तीनों के बाद ही वो क्या प्रिंट कर देगा, वो ले लेगा जी स्टॉप, क्या ले लेगा, स्टॉप। तो इसके बाद आप बस जितने भी आउटपुट आए हैं उन सबको कनेक्ट करा देंगे आप किस पे, स्टॉप पे, ये क्लियर है। देखिए बिल्कुल जितने आपके स्टेप थे आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो बच्चों को यूजुअली इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने येलो से मार्क कर दिया कि किसका क्या मतलब है। ये चीज क्लियर है कि भाई कैसे आएगा, अगर दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो ऐसे वर्क करेगा, पहले ट्रू के लिए ए लार्जेस्ट पे आ गया, अब ऐसे ही अगर इसमें एक और आ जाता है कि भाई अगर फोर नंबर्स का लार्जेस्ट फाइंड आउट करना होता तो देखिए ये जो आपका सी वाला, ये वाला जो पोर्शन हो रहा है यहाँ पे आउटपुट ना आगे, ये एक और रोम्बस आ जाता जिसमें आप सी को चेक करते कि भाई सी ए से भी बड़ा है, सी बी से भी बड़ा है, सी डी से भी बड़ा है, तो सी ट्रू के लिए इधर आ जाता, फॉल्स के लिए फिर वो जैसे सी लार्जेस्ट आया वैसे डी लार्जेस्ट आ जाता, एक और रोम्बस, फाइव आ जाते तो और होता चला जाता। तो इस तरह से चीजें आपकी वर्क करती है, आई होप कि ये क्लियर है आपको। लेकिन जब हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर होते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग स्टडी करोगे, तो इस केस में तो अभी हम एरे का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे क्योंकि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो एरे के जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो जाए उसमें से लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एरे। इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ डील करना टफ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आई होप कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इसकी ट्रेसिंग आपको बताना चाहता हूं कि हाउ इट वर्क्स, ये जो एल्गोरिथम है इसकी ट्रेसिंग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले नहीं बताया आपको। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टार्ट, सेकेंड स्टेप में आप इनपुट कराएंगे थ्री नंबर से, आपने ए इनपुट करा दिया फाइव, बी इनपुट करा दिया टू, सी इनपुट करा दिया वन, या सी इनपुट करा दिया एट, या कोई भी नंबर हो सकता है।
थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या चेक करेगा, इफ फाइव इज ग्रेटर देन टू, ए इज ग्रेटर देन बी हो गया ना, ए इज ग्रेटर देन सी, फाइव इज ग्रेटर देन एट, तो ये तीनों दोनों ये भी कंडीशन, ये कंडीशन तो ट्रू है और ये फॉल्स है। एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स होता है तो उसका मतलब क्या होता है, फॉल्स। या आप जानते ही हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या डिजिटल में भी पढ़ा होगा कि भाई अगर एंड के केस में एक भी फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स। तो ये कंडीशन पूरी हमारी क्या होगी, फॉल्स। तो जब ये फॉल्स हो गई अब वो एल्स इफ में जाएगा और एल्स इफ में वो बी को चेक करेगा। यहां पे उसने ए को चेक किया, अब वो किसको चेक करेगा, बी को। बी की वैल्यू कितनी है, टू। चेक करेगा कि जी टू ग्रेटर देन फाइव एंड टू ग्रेटर देन एट। इस केस में उसने बी को चेक किया और उसने देखा कि ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये रिजल्ट भी क्या हो गया, फॉल्स। अब वो एल्स में जाएगा, जब ये दोनों फॉल्स हैं तो डेफिनेटली लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, सी इज लार्जेस्ट। क्या प्रिंट करेगा, सी इज लार्जेस्ट, और सी की वैल्यू कितनी है, एट। और वही लार्जेस्ट भी आप देख के भी बता सकते हो। तो आप जानते हैं कंप्यूटर तो एक डम मशीन है, उसको जैसे इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म करती है। हम देख के बता सकते हैं लेकिन उसको बताना पड़ेगा वो कैसे बताए कि कौन सा लार्जेस्ट है, तो इसलिए हमें क्या बनाना पड़ता है, लॉजिक या कॉन्सेप्ट। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो उसका फ्लो चार्ट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर इटरेशन और लूप से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है तो उसके लिए फ्लो चार्ट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अब हम यहां पे थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर द प्रॉब्लम्स विद इटरेशन। For the problems with iteration or loop. तो देखिए algorithm के concept को recall करो, मैंने वहां पर उस केस में बताया था कि भाई अगर आपको sum of natural number करना था आप उसको loop की help से कर सकते हो, जिसमें हमेशा previous element के साथ क्या था, addition हमने perform किया था। तो यहाँ पे भी मैं एक example consider कर लेता हूँ, उससे चीजें आपको और clear हो जाएंगी। एक तो example में वही consider कर लेता हूँ जिसकी algorithm आप बना चुके हो। Let us consider an example. The sum of n natural numbers. आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए दे दिया जी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। मैं यहां पे आप इसको अब इसमें वो कह देता है जी, अब एक तो है डायरेक्ट फॉर्मूला जी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर तो एन एन प्लस वन बाई टू हो जाता है, तो वो तो सिक्वेंस में चली जाएगी प्रॉब्लम। तो यहां पे मैं लिख भी दे देता हूं विद द हेल्प ऑफ लूप, विद द हेल्प ऑफ लूप। ठीक है, तो इस लूप की बात जहां पे आ गई, आइट्रेशन की बात आ गई, तो चीजें आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए इसका लॉजिक क्या था कि जी आप यहाँ पे इनपुट क्या कराएंगे, भाई कितने नंबर्स तक का आपको सम फाइंड आउट करना है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस से अप टू एन। तो इस एन की वैल्यू का इनपुट कराएंगे जी, आपको कितने नंबर्स तक का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका इनपुट क्या होगा, एन। आपका इनपुट हो जाएगा यहाँ पे एन। अब इसकी इनिशियल वैल्यू भी होगी, आउटपुट आपका क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट आपका प्रोड्यूस होगा सम। कितने नंबर्स तक का सम करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को जरा रिकॉल करो, मैंने बताया था कि जहां आइट्रेशन यूज करते हैं तो उसकी इनिशियल वैल्यू को लेकर चलते हैं। तो अगर मैं ये मान लेता हूं जी मेरा ये आई है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या वन है, आप देखेंगे उसके नेक्स्ट एलिमेंट में कितने का एडिशन होता है, प्लस वन का। इसके आगे भी किसका एडिशन होता है, प्लस वन का। इसके आगे भी एडिशन किसका हो रहा है, प्लस वन का। ऐसी अगर एन टर्म पे हम जाएंगे तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, एन माइनस वन होगा। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, एन माइनस वन होगा या नहीं होगा, यस एन माइनस वन होगा। तो इसका मतलब इसमें भी प्लस वन हो रहा होगा। इस तरह से चीजें आपकी वर्क करें, इंक्रीमेंट बाई वन हो रहा है, इनिशियल वैल्यू वन है आई की, और लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये तब तक काम करेगा जब तक आई की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू एन रहेगी। क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू एन। आई एक वेरिएबल है जो आइट्रेशन को चलाने के लिए काम करता है या लूप को चलाने के लिए काम करता है, वो आई की जगह आप कोई सा भी वेरिएबल चूज कर सकते हो। आइए लिखते हैं इसके लिए एल्गोरिथम। वैसे एल्गोरिथम आप रिकॉल कर सकते हो क्योंकि एल्गोरिथम आप इसकी बना चुके हो, आप इसकी एल्गोरिथम बना चुके हो। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में आपने इनिशियलाइज कर दिया, किस किस की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, एक तो सम आपने ले लिया इनिशियलाइज, क्योंकि सम की एक इनिशियल वैल्यू ले लीजिए हमने जीरो, हमारे पास सम में इनिशियल कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो है। और आई एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू जी हमने ले ली वन, क्योंकि वो कहां से शुरू हो रहा है, वन से। फिर यहां पे थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब
हाँ इनपुट कराना पड़ेगा कितने नंबर तक का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या लिखा जी, इनपुट इनपुट एन। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे जी, इनपुट नंबर हो चुका है, अब हम क्या लगाएंगे, सम कर दो इसको। ये भी हमने सम कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और जो आई की वैल्यू है उसको बढ़ा दिया, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ये जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है इनको रिपीट करते रहो, कब तक, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था कब तक करेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है। यहाँ पर एल्गोरिथम में भी कर चुके और मैं इसकी ट्रेसिंग भी आपको बता चुका हूं। तो आप क्या लिखेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर कंफ्यूजन हो तो यहां पे क्लियर हो जाए। रिपीट स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स को रिपीट करेंगे, फोर एंड फाइव। और हाँ अगर अभी भी डाउट रह जाएगा तो अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। आप और प्रैक्टिस करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, मेरा फोकस रहता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, सो फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट। रिपीट स्टेप्स फोर एंड फाइव अंटिल आई लेस देन इक्वल टू एन। और सेवेंथ स्टेप में जो सम आएगा उसको प्रिंट करा दो, प्रिंट सम। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सारे नंबर तक का सम हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगी, बाहर आएगी सेवेंथ स्टेप पे, प्रिंट करा दिया आपने सम। और एट स्टेप को क्या करा दोगे आप, एट्थ में आप इसको स्टॉप करा दोगे। ये बन गए आपके एल्गोरिथम, बेसिकली एल्गोरिथम आप ऑलरेडी बना चुके हो। आइए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट स्टार्ट है ओवल, इसके बाद इनिशियलाइजेशन एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस को किसमें यूज करते हैं हम, रेक्टेंगल में। वेरी गुड, तो जी आपने एक रेक्टेंगल बना दिया जिसमें सम की इनिशियल वैल्यू दे दी जीरो और आई की इनिशियल वैल्यू क्या दे दी वन। फिर इनपुट है, इनपुट किसमें आएगा, वेरी गुड, पैरेललोग्राम में, तो आपने लिख दिया जी इनपुट एन। इसके बाद सम है और आइट्रेशन है। देखिए मैंने आपको बताया था कि फोर्थ और फिफ्थ स्टेप आप एक ही ब्लॉक में भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। अब क्योंकि मैं जो आपको अभी तक कराते हुए आ रहा हूं बिल्कुल एल्गोरिथम को हम मैप कर रहे हैं किससे, तो इसलिए हम अलग ही अलग यूज कर लेते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप एक में भी शो कर सकते हो और दो अलग अलग में भी, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप नोट कर लेना। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, इसके बाद क्या करेंगे, इनका आपने एडिशन इंक्रीमेंट कर दिया उस वैल्यू ऑफ आई में, क्योंकि ये लूप को चला रहा है आई प्लस वन। अब देखिए रिपीट स्टेप दिस अंटिल, तो ये क्या आ गई कंडीशन, आ गई डिसीजन बॉक्स आएगा, तो ये जो डिसीजन बॉक्स आएगा इसमें आपने कंडीशन लगा दिया अंटिल आई लेस देन इक्वल टू एन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कौन कौन से स्टेप को रिपीट कर रहा हूं, फोर एंड फाइव। इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ये ट्रू होता है ऊपर जाएगा फिर से सम करेगा और ये करेगा, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स के बाद वो प्रिंट करेगा किसको, सम को, और प्रिंट एक आउटपुट है और आउटपुट किसमें आता है, पैरेललोग्राम में। गुड, चलिए तो आपने लिख दिया जी प्रिंट सम, या खाली सम भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। अब आपने सम को प्रिंट करा दिया, उसके बाद स्टॉप है और स्टॉप किस में आएगा, ओवल। ये क्लियर है, तो देखिए दिस इज द फ्लो चार्ट, कैसे ट्रेसिंग वर्क करती है, वापस जा रहा है फॉल्स के लिए, वो टर्मिनेट कर जा रहा है। इसकी ट्रेसिंग मैं आपको एल्गोरिथम में बता चुका हूं, तो आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग दिस इट्स ट्रेसिंग अगेन। तो ये तो क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, उसकी ट्रेसिंग भी मैं आपको बताऊंगा। So let us consider one more problem related to this concept. Write an algorithm and draw its flow chart write an algorithm and draw its flow chart to print the all even numbers. तो देखिए इस केस में सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो इनपुट और आउटपुट क्या होगा। तो देखिए इनपुट में
आपको सारे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, वो तो एक आउटपुट हो गया, आउटपुट आपको देख के पता चल गया कि ऑल इवन नंबर्स। लेकिन कहां तक कराने हैं, कितने कराने हैं, ये डिसाइडेड नहीं है। तो अगर मान लीजिए मुझे कहां तक कराने हैं, तो वो सपोज करो एन मेरे पास एक इनपुट नंबर है, मैंने दे दिया जी एन की वैल्यू 100, एक से लेके 100 तक कितने नंबर्स है उसको मैंने प्रिंट करा दिया। एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है कि इन बिटवीन 1 एंड 100 कर दो, वो फिक्स दे सकता है। मैं इसको जनरलाइज बनवा रहा हूं कि भाई आपके पास नंबर है, मान लिया 1000 तक कहता है जी सारे इवन प्रिंट कर दो, तो मैंने एन ले लिया, एन मे बी 1000, मे बी 100, मे बी 50, मे बी 20, मे बी 10, मे बी 5, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप उसके लिए लेंगे। इसके लिए हम जनरलाइज एक एल्गोरिथम बना लेते हैं, तो आइए लेते हैं इसके लिए एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम से पहले मैं इसके लिए आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। इसके लिए सपोज करो मैंने एन की वैल्यू ले ली 10, एन की वैल्यू 10 ले ली। अब जो मेरे नंबर्स हैं, तो नंबर्स जो मुझे प्रिंट कराने हैं वो क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो 10 तक क्या हो जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये वैल्यूज आ गई। अब इस केस में आप देखेंगे, अब लेकिन बात यह आ रही है कि मुझे जो इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं, अब एन की वैल्यू में तो ऑड भी वैल्यूज आ सकती हैं, क्या सकते हैं, देयर कैन बी ऑड वैल्यूज एज वेल, और लेकिन मुझे प्रिंट क्या कराना, मुझे प्रिंट कराना ओनली इवन, आप समझ रहे हो। तो इवन को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू को शुरू करेंगे कहां से, जीरो से। कहां से शुरू करेंगे जी, हमने जीरो से शुरू कर दिया। सपोज करो इसके लूप आइटरेशन जो यूज करेंगे, आपने आई की वैल्यू कर दी थी 0, और उसमें एडिशन कितने का करा दिया, +2। आपने 0 से शुरू किया और उसमें एडिशन किसका करा दिया, +2 का करा दिया, +2 हो रहा है। अब मान लीजिए एन होता, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू क्या होती, एन, तो हमारा जो ये आई है ये कहां तक वर्क करता, जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन है। कब तक वर्क करता, आई लेस देन इक्वल टू एन है, अगर एन को उसमें इनकॉर्पोरेट करके चलना है। लेकिन वो तभी इनकॉर्पोरेट होगा जब वो +2 की कैटेगरी में आएगा, किसी कैटेगरी में आएगा, +2 की कैटेगरी में। अगर मान लिया वो 99 होगा तो वो ऑब्वियसली किस में नहीं आएगा, हमारे इवन नंबर की सीरीज में नहीं आएगा। ये आप चीज क्लियर होगी, आइए बस आपका काम हो गया, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो आप इसके लिए पहले एल्गोरिथम लिख लो, एल्गोरिथम, और इसी एल्गोरिथम के करस्पॉन्डिंग हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इनपुट एन। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में 2 2 का जब हम एडिशन करेंगे तो इवन इवन नंबर ही देगा। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, इनपुट हो चुका, इनिशियलाइज हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा दिया जी, प्रिंट आई, क्या करा दिया, प्रिंट आई। और प्रिंट आई होने के बाद फिफ्थ स्टेप में हमने आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस टू, क्या कर दिया, आई प्लस टू। सिक्स्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप को रिपीट करेंगे, कब तक, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है। तो हमने प्रिंट करा दिया, रिपीट स्टेप्स 4 एंड 5 अंटिल I इज लेस देन इक्वल टू एन, और सेवंथ स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टॉप। इसका ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट है, स्टार्ट, इनपुट n, तो आपने लिया से इनपुट n, और इनिशियलाइज की बात आ गई, तो इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ प्रोसेस है, और वो किस में आएगा, रेक्टेंगल में, गुड। उसके बाद प्रिंट आ गया, प्रिंट एक आउटपुट है, और आउटपुट किस में आता है, रॉ, किस में आता है, पैरेललोग्राम में, वेरी गुड। आपने लिख दिया जी प्रिंट आई। इसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस टू एक प्रोसेस का पार्ट है, आपने लिख दिया जी आई इज इक्वल टू आई प्लस। उसके बाद जो रिपीट एंटिल वाला है, ये डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा, तो रोम्बस, आपने रोम्बस चूज कर लिया, और इसमें लिखा आपने अंटिल I is less than equal to n, और ये कंडीशन अगर ट्रू है, फोर्थ और फिफ्थ को रिपीट करना है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू।
और अगर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे भी आप फॉल्स लगा सकते हैं, लेफ्ट भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपके स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्पेस आपके पास है, उसी हिसाब से आप फॉल्स यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इधर लेफ्ट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, डायरेक्टली तो स्टॉप हो जाएगा, क्लियर है। रोम्बस के दो एग्जिट होंगे ये तो आप जानते हैं, वन फॉर द ट्रू एंड अदर फॉर द फॉल्स, तो ये वैल्यूज आपकी प्रिंट होती चली जाएगी। आप देखो इसका एक एग्जांपल ले लो, इसकी ट्रेसिंग देख लो, ट्रेसिंग से चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, सेकेंड स्टेप में आपने इनपुट करा दिया, से मैंने इनपुट करा दिया जी n इज इक्वल टू 6 या से मैंने 7 इनपुट करा दिया। थर्ड स्टेप में क्या जाएगा, i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। फोर्थ स्टेप में वो प्रिंट कराएगा किसको, 0 को, यहां पे चलिए प्रिंट हो गया आपका 0, i को प्रिंट करा रहा तो 0 प्रिंट हो गया। फिफ्थ स्टेप में i की वैल्यू बढ़ जाएगी किससे, प्लस 2 से, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू i की नई वैल्यू कितनी आ गई, 2, आगे जो हम यूज करेंगे i की वैल्यू को 2 को चेक करेंगे। सिक्स स्टेप में चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 7, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो फ्लो चार्ट देखे, जब ट्रू है तो फिर से क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, फिर से वो फोर्थ स्टेप पे चला जाएगा और प्रिंट किसको कर देगा, 2 को। उसके बाद वो फिफ्थ स्टेप पे आएगा और आई की वैल्यू में फर्दर इंक्रीमेंट करेगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। फिर वो सिक्स स्टेप पे आएगा, सिक्स स्टेप में आप क्या देखेंगे, सिक्स स्टेप में आप देखेंगे आई की वैल्यू को फिर से चेक करेगा कि 2, हाँ अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, देखिए 4, चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 7, तो ये आप देखेंगे कि दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये वाली कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो आप क्या करेगा, तो ट्रू के केस में फिर से फोर्थ स्टेप पे चला जाएगा और प्रिंट कर देगा 4। फिर फिफ्थ स्टेप पे जाएगा, आई की वैल्यू में फर्दर इंक्रीमेंट होगा, आइट्रेशन चल रही है, फर्दर इंक्रीमेंट होगा, तो ये आपका अगर आप देखेंगे ये आपका फर्स्ट आइट्रेशन था, ये आपका सेकेंड आइट्रेशन था, अब आपका लूप तीसरी बार चल रहा है तो ये आपका थर्ड आइट्रेशन है। आई की वैल्यू में फिर से प्लस 2 हो गया तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। फिर ये चेक करेगा सिक्स स्टेप में कि क्या 6 लेस देन इक्वल टू 7 है, यस दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो ये अब क्या करेगा, देखिए फोर्थ स्टेप पे फिर से चला जाएगा और फोर्थ स्टेप पे क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा 6 को, इट विल प्रिंट 6। और फिफ्थ स्टेप में आई की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट होगा, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, सिक्स स्टेप में चेक करेगा 8 लेस देन इक्वल टू 7, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स होगा ये वापस नहीं जाएगा ना, इसको ये प्रिंट करेगा, ये 8 तो हो चुका है की वैल्यू लेकिन इसको प्रिंट नहीं करेगा, और उसके बाद सेवन स्टेप पे क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो देखिए इसमें आपके आपका लूप कितने टाइम चला, 4 टाइम। तो ये जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखे, दीज आर द 4 आइट्रेशंस, क्या है, दीज आर द 4 डिफरेंट आइट्रेशन। तो इसने जो वैल्यू प्रिंट करी है भाई, 7 तक जो आपके इवन नंबर है, 0 है, 2 को प्रिंट किया उसने, 4 को प्रिंट किया उसने, 6 को प्रिंट किया, तो 7 तक उसने जो नंबर प्रिंट किए उसकी आउटपुट क्या जाएगी, इस केस में जो आउटपुट आएगी होगी 0, 2, 4 एंड 6, यही तो हमें प्रिंट कराना था। और यहां पे हमने इनपुट क्या कराया था, हमने इनपुट कराई थी n की वैल्यू 7, तो अप टू 7 कितने इवन नंबर है वो इसने प्रिंट कर दिए। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, तो आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इनकी और ग्रेडेड प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में जो प्रॉब्लम होगी या तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी होंगी या पूछी जा सकती है, तो बी केयरफुल, बस आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट। तो देखिए इस तरह से जो हमारा फोर्थ लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे इस टॉपिक के बिगनिंग में मैंने बताया था कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे। फर्स्ट वन इज define flow chart, now you are able to define the flow chart, it is the graphical or pictorial representation of an algorithm. In the second learning outcome, हमने डिस्कस किया था सिंबल्स यूज टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, वन बाय वन आपको सारी चीजें क्लियर है। स्टार्ट, स्टॉप और बिगिन और एंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल यूज करेंगे। इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, प्रोसेस के लिए जिसमें कैलकुलेशंस होती है, इनिशियलाइजेशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, तो उसको भी हम किसमें रखेंगे, रेक्टेंगल में। कंडीशन के लिए रोम्बस, कनेक्टिविटी के लिए एरो, अगर हमें कनेक्ट करना है, अगर हमारा ब्रेक आ गया है कहीं फ्लो चार्ट में, एक पेज में नहीं आ पा रहा है, तब हम कनेक्टर का यूज करेंगे जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द थर्ड लर्निंग आउटकम यू आर एबल टू रिकॉल द रूल्स फॉर डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट, कौन कौन से रूल थे कि हर एक फ्लो चार्ट का एक स्टार्ट और स्टॉप होना चाहिए, अगर आप
डिसीजन मेकिंग बॉक्स यूज कर रहे हैं तो उसके दो एग्जिट होने चाहिए। आपका जो फ्लो चार्ट की डिजाइनिंग है वो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, ऊपर से नीचे ही आप ड्रॉ करेंगे। और आपको क्या क्या ध्यान रखना था, उसमें कनेक्टर्स का यूटिलाइजेशन जो हमें करना था, किसका, कनेक्टर का, कहीं पे अगर पेज ब्रेक आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, वहां पे कैरेक्टर को यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका जो, और हाँ, जो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड यूजुअली क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैंने तीन डिफरेंट केसेस बताए, सीक्वेंस से रिलेटेड भी बताया, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड भी दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स कराई, और आपको आइट्रेशन और लूप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कराई। और यूजुअली इन्हीं थ्री डिफरेंट केसेस की प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट, इससे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे। Now you look at the feedback exercise and provide any feedback or suggestion if you have.